दरभंगा में हवाई यात्रा शुरू होने के बाद व्यापारियों का बढ़ा व्यापार। महीने में 80 करोड़ का हो रहा कारोबार। मिथिला की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा जिला में हवाई यात्रा शुरू होने के बाद यहां के लोगों को काफी फायदा मिला है। खासकर यहां के व्यापारियों को इस हवाई यात्रा शुरू होने के बाद उनके व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। खासकर मिथिला क्षेत्र के व्यापारियों को एक महीने में 80 करोड़ का बिजनेस होने लगा है, जबकि यहाँ का कार्गो सेवा शुरू नहीं हुई है, तब इस तरह के व्यापारियों को लाभ मिलने लगा है। मेडिकल क्षेत्र के लोगों को भी इस हवाई यात्रा से काफी सुविधा मिल रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों को इस हवाई यात्रा के कारण अपना नया व्यापार शुरू किए हैं। दरभंगा जिले में पहले टैक्सी का प्रचलन नहीं था, अब यहाँ के लोगों को भी टैक्सी की सुविधा मिलने लगा है। वही इस एयरपोर्ट शुरू होने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ एयरपोर्ट चालू होने के बाद चिकित्सा सुविधा काफी सरल हो गई है। यहाँ के लोगों को अब इलाज कराने के लिए बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब कई मरीज के परिजन महानगरों से डॉक्टर को यहाँ कॉल कर बुलाकर अपने मरीज का उपचार कराते हैं। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो एयरपोर्ट चालू होने के बाद से महानगरों से यहाँ आते हैं और मरीज का इलाज कर वापस भी चले जाते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा अब मिल रहा है। वही व्यापारियों का कहना है कि यहाँ एयरपोर्ट चालू होने से व्यापार में काफी फायदा हुआ है। आप देखे होंगे कि इस बार यहाँ के आम लीची का व्यापार महानगरों में किया गया, जिससे व्यापारियों को काफी फायदा भी हुआ। एयरपोर्ट के आ जाने के बाद छोटे छोटे कारोबारी को भी फायदा मिल रहा है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।